ये देखो आ रहा है। ये है अपनी नौकाएं। यार जो ताल का पानी है ना वो ऊपर तक आने लग गया देखो यार, और ये लोग अपनी नावें हटाने लग गए हैं क्योंकि उससे दिक्कत हो रही है ना। ये लिखा है ये नैना पीक है, चाइना पीक। ये आगे अपनी लोकेशन, और गाइज मस्त व्यू देखो, ये है नैनीताल लेक। वाओ यार मजा आ गया। ठीक है बाकी एक बार अपने पांव वगैरह चेक कर लेंगे कहीं जोक वगैरह तो नहीं लगे हैं। भाई बादल गरज रहे हैं बहुत तेज। बाकी राहुल और मैं टेंट के अंदर सेफ है अभी। टार्प भी लग गया अपना, और लाइटिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, टेंट भी अच्छे से पिच हो गया है, और अब वेट कर रहे हैं गौरव और आयुष वगैरह दोस्तों का। ओ भाई क्या बिजली आवाज़ आने वाली है भाई, धमाका होने वाला है। होगा हमारे पास एक मिनट भाई साहब, भाई गलत आ गए। ये देखो आ रहा है, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। ये जंगल की तरफ भाग गया है, तो ऊपर ही हिरन था गाइस, अभी भाग गया है वो जंगल की तरफ। बाकी मैं और राहुल जा रहे हैं अभी कैंपिंग के लिए। तो गाइस अभी भीगते हुए जा रहे हैं हम, भाई हालत खराब हो गई है। एक पोचू है, मैं और राहुल ने एक पोचू से अभी हम काम चला रहे हैं, और आज होने वाली है ग्रुप कैंपिंग, तीन लोग और पीछे से आएंगे अभी। तो बाकी हम जल्दी से जाके लोकेशन डिसाइड करके वहाँ पे टेंट पिच करेंगे। भाई मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, और अभी हम जा रहे हैं नैनीताल, और वहीं पे अपनी कैंपिंग होनी है। और बाकी देख लो यार बैग वगैरह भीग रहा है, तो एक पोचू है उसी से ही काम चल रहा है। ये वाला पोचू राहुल ने भी इसे ही पहना है, और ये पीछे तक है तो मैं इसमें ऐसे घुस रहा हूँ। तो गाइस ये है नैनीताल, और पानी देखो ऊपर तक भरने लग गया अभी। और ये है नैनीताल का माल रोड, और देखो यार ये है अपनी नौकाएं। यार जो ताल का पानी है ना वो ऊपर तक आने लग गया देखो यार, और ये लोग अपनी नावें हटाने लग गए हैं क्योंकि उससे दिक्कत हो रही है ना। भैया नाव कहाँ ले जा रहे हो अभी? पार्किंग पे। अभी नाव अपनी पार्किंग में ले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं ना, जैसे विजिटर आते हैं उनके लिए यहाँ पे ये नाव लगाते हैं, लेकिन अभी क्या है पानी ऊपर आ रहा है तो ये अब पार्क करने के लिए जा रहे हैं उस साइड कोने में अपनी नाव पार्क करेंगे। बाकी भीग भी रहे हैं यार, बारिश भी हो रही है। तो राहुल भाई क्या करना है बताओ? चलना है, बारिश बहुत तेज हो सकती है अभी। और देखो यार किस तरह से नाव चला रहे हैं। ये लिखा है ये नैना पीक है, चाइना पीक। हाँ नैना चाइना पीक ट्रैकिंग पॉइंट है, 3 किलोमीटर का। तो यहाँ से देखो पूरा नैनीताल का व्यू आता है, पूरा जो ताल है ना उसको इसने कवर किया है। तो हम मॉर्निंग देखेंगे, मॉर्निंग व्यू, अगर बारिश बंद होगी तो हमें ऐसी व्यू दिखेगा। मज़ा आ रहा है यार ट्रैकिंग करने में, काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलो गाइज हम अभी टॉप पे आ चुके हैं, नीचे आप नैनीताल देख सकते हो। अंधेरा हो गया है, सबके घरों की लाइट जल गई है, बादल चमक रहे हैं, इससे पहले टेंट पिच करेंगे अपना। तो भाई ये आ गया अपनी लोकेशन, और गाइज मस्त व्यू देखो, ये है नैनीताल लेक। वाओ यार मजा आ गया। अभी तो धुंध है, फॉग है, हम ऐसे आए थे इस
रास्ते से होते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ, और यहाँ से हम पैदल आए हैं ट्रैक करते हुए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना भाई, गंदगी बहुत है यार। गाइज हम मिनी चाइना पीक पे, और हम टॉप पे नहीं गए। भाई बहुत गंदा भीग गया है, और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इतना भी नहीं भीगे हैं कि जिससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, तो बाकी अभी ठीक है। बाकी एक बार अपने पांव वगैरह चेक कर लेंगे, कहीं जोक वगैरह तो नहीं लगे हैं। भाई बादल गरज रहे हैं बहुत तेज। बाकी राहुल और मैं टेंट के अंदर सेफ है अभी। टार्प भी लग गया अपना, और लाइटिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, टेंट भी अच्छे से पिच हो गया है। और अब वेट कर रहे हैं गौरव और आयुष वगैरह दोस्तों का, क्योंकि आज ग्रुप कैंपिंग है और अभी तक हम दो पहुँचे हैं। वो लोग से अभी हमारी बात हुई है कॉल पे, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम निकल गए हैं घर से। अब पता नहीं कब तक यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि उनके पास कंबल और उनके पास स्लीपिंग बैग भी है। हमारे पास जो सामान था हम वो लाए, तो टार्प और टेंट और बाकी टेबल वगैरह हमारे पास इतना ही सामान है, बाकी अपने पास कोई ज़्यादा सामान नहीं है। सारा सामान उनके पास है, तो अब वेट कर रहे हैं उनके आने का। बाकी मौसम यहाँ पे बहुत डेंजर हो गया भाई, बहुत ख़तरनाक। हमने सोचा नहीं था कि इतना ख़तरनाक मौसम हो सकता है यहाँ पे। हमें लगा बारिश तो यहाँ पे होती ही रहती है, लेकिन आज इतनी बारिश, मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने जाना था चाइना पीक, नीचे से जो चाइना पीक है वो 3 किलोमीटर है, अभी हम सिर्फ 1 किलोमीटर पहुँचे हैं। ये है मिनी चाइना पीक, हमने आज यहीं पे अपना टेंट पिच कर दिया। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो इसलिए हमने सोचा कि मिनी चाइना पीक में ही हम अपना टेंट पिच करेंगे, तो यहीं पर हमने टेंट पिच कर दिया और टेंट अपना अच्छे से यहाँ पर सेट हो गया अभी। तो बाकी आप भाई लोगों का वेट करते हैं और यहाँ पे बैठे रहते हैं, और कर ही क्या सकते हैं। बाकी अपने पास कोई ऐसा आइटम नहीं है जिससे अभी हम कॉफ़ी वगैरह पी सके या कुछ भी, बस हम आपस में बैठकर बातें कर सकते हैं, और कुछ हमारे पास अभी कुछ नहीं है। तो भाई ये कैंपिंग बहुत ही एक्सट्रीम कैंपिंग हो गई है, लेकिन मैं बस यही प्रे करूँगा कि भाई जल्दी से मौसम साफ़ हो जाए और वो लोग अच्छे से यहाँ पर पहुँच जाए अपने यहाँ पर। जैसे 2 टेंट लग जाएंगे ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी वो उनके पास सामान भी है, और फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बाकी अपना टेंट के अंदर तक पानी आ गया था भाई, जब हमने टेंट पिच किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अंदर पानी घुसा है। राहुल भाई कहाँ पे है पानी? पानी हो रहा है सब। ये देखो ये सारा अपना टेंट के अंदर पानी आ गया, क्योंकि शुरुआत में ही हमने टेंट जब पिच किया था ना, तब ये पानी हो गया था। उस साइड देखो पानी भाई, खतरनाक वाली बिजली कड़क रही है। आज हम बंद हो गए भाई इस टेंट के अंदर। हमारे पास खाने के लिए, हाँ हमने रास्ते से सिर्फ पनीर लिया था, हमारे पास खाने के लिए सिर्फ पनीर है, कुछ भी नहीं है वगैरह, कुछ भी नहीं अपने पास। कोई नहीं, बैठते वेट करते हैं उनका।
नहीं और कुछ होगा हमारे पास, एक मिनट भाई साहब भाई गलत आ गए, तूफान लग रहे, मुझे लग रहा हम गलत आ गए भाई आज। क्यों महंगे हो गए तुम उसे हैं पिकेट होता है ना बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है। तो भाई क्या बिजली आवाज आने वाली है भाई, धमाका होने वाला है। फाइनली अपने गौरव भाई यहाँ पे आ चुके हैं, आयुष भाई भी यहाँ पे है और यहाँ पे बालम भाई भी आ गया। हेलो। तो भाई बारिश तो यहाँ पे इतनी गंदी हो गई थी ना मैं बता नहीं सकता। बाकी अब जो ये टेंट है इसको थोड़ा पीछे की तरफ रख रहे हैं, बाकी अपने पास दूसरा वाला टेंट भी आ गया 3%, तो इन दोनों को यहाँ पे सेट कर रहे हैं। देखो किस तरह से सेट होता है। तो गैस फाइनली अपना जो दूसरा टेंट था 3% वो भी यहाँ पे पिच हो गया है। बाकी सारे भाई लोग अभी लूडो खेल रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है खाना सब लोग तो वैसे मिल के बना सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प रहेगी तो करेंगे, जैसे प्याज वगैरह चॉपिंग वगैरह होगा तो वो करेंगे। बाकी अपना गैस कैन और मैं चूल्हा निकाल लेता हूँ और इनको यहाँ पर सेट कर देते हैं क्योंकि भाई बारिश बहुत तेज़ है। हमने सोचा था कि लकड़ियाँ मिलेंगी हमें जंगल में तो लकड़ियों में खाना बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग ना हम लोग बड़े छोटे बर्तन भी लाए थे जैसे ये छोटे वाले और बड़े बर्तन भी लाए थे जैसे ये कढ़ाई वगैरह होती है। तो अब दिक्कत ये है कि लकड़ियाँ तो हमें मिली नहीं, तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें ही हम बड़ी कढ़ाई भी रख सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से आज कुकिंग होगी। और खाना भाई खाने में क्या है, चावल है अपने पास, राइस है और दूसरा अपने पास पनीर और मटर है। तो आज बनेगा चावल और मटर पनीर, मटर पनीर की ग्रेवी बनेगी तगड़ी वाली और वो बनाएंगे अपने गौरव भाई। तो बाकी अब हम रख लेते हैं इसमें चावल, सबसे पहले चावल बना के रख लेते हैं। चावल अपने बनते रहेंगे ना साइड बाय साइड, अपने फिर चॉपिंग भी हो जाएगी यहाँ पे। और कितने लोग हैं हम, आधा किलो डालते हैं। जब हम लोग आए थे ना गाइस, मैं और राहुल आए थे सिर्फ यहाँ पे और भाई हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होगी, टार्प लगाया इसमें कैसे टेंट पिच किया, बहुत सारी दिक्कत हो गई थी एक साथ। बाकी उसके बाद जब बारिश थोड़ा सा कम हुई उसके बाद ये लोग भी पहुँच गए थे यहाँ पे, तो हमने ईजिली अपना जो 3% टेंट है वो ईजिली पिच कर लिया था। और बाकी अब क्या करते हैं, इन चावलों को वॉश करते हैं और उसके बाद इसको रख देंगे। बाकी वॉश के लिए एक चीज़ और मैंने क्या किया है ना, जो ये टार्प से जो पानी नीचे आ रहा है ना वहाँ पे मैंने जो भगोना है वो रख दिया है, उसमें सारा पानी जमा हो रहा है। और हम ऐसे 5 लीटर पानी लाए हैं अपने साथ लेकिन फिर भी हम अगर बारिश के पानी का यूज़ करेंगे अच्छे से तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा और रात को अगर प्रॉब्लम भी नहीं होगी पानी की तो उससे वॉश कर लेते हैं। तो गैस इसमें अपना चावल रेडी हो रहा है और बाकी अपने जो प्याज टमाटर है ना इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, इनको चॉप कर लेते हैं। ध्यान दो क्या कह रहा है, तुम्हें क्या काटना है, ये तो चॉप करना है, प्याज काटना है, लाओ मैं हाथ से काट लूँगा। तो गैस अभी अपनी चॉपिंग हो रही है, गौरव भाई चॉपिंग कर रहे हैं कि प्याज वगैरह अच्छे से। और वैसे मैंने तो चावल बनाना था, चावल बना दिया और उसका बनने का वेट करते हैं और गौरव भाई बनाएंगे आज मटर पनीर, वो भी ग्रेवी वाली मस्त। नहीं तो तेली है, ये देखो फ्रीज से चली है। मौसम साफ हो गया ना, अपना व्यू भी अच्छा हो जाएगा, ड्रोन भी हो जाएगा ना।
तो गैस अपना पनीर यहाँ पे चॉप हो चुका है, और देखो यार प्याज भाई ने कितने अच्छे से चॉपिंग की है, अपने गौरव भाई ने, जो अपने तार पर जो पानी है ना वो डायरेक्ट अपने कढ़ाई में जमा हो रहा है। एक प्रॉब्लम आ गई है ना, हम लोगों में कंफ्यूजन हो गया कि बर्तन लाने थे, प्लेट कौन लाएगा, तो हम दोनों में से कोई भी प्लेट नहीं लाया। मुझे लगा भाई लाएगा, भाई को लगा मैं लाऊंगा, तो अपने पास अब गिने चुने बर्तन है इस टाइप के और छोटे बर्तन है, तो इसमें ही हमें खाना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है खाने का, तो ऐसे ही शेयर करके खाना पड़ेगा। बाकी अपनी जो मटर पनीर की ग्रेवी है वो तैयार हो गई है, बाकी अपने जो राइस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट है। ये है अपनी मटर पनीर की ग्रेवी, और बाकी ये है अपने राइस। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, जो हमारे टेंट के लिए बहुत ख़तरा है, क्योंकि टेंट के अंदर पानी आना आ सकता है इससे, तो हमें नाली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अपनी नाली गाइस यहाँ पे बन गई है, और ये पानी सीधा जा रहा है नीचे की तरफ। गौरव और सारे फ्रेंड उस वाले टेंट पे है, इस वाले टेंट पे मैं हूँ अकेले, और अपना पिलो वगैरह यहाँ पे फुलाते हैं और स्लीपिंग बैग रेडी करते हैं। बाकी बारिश बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है यार यहाँ पे, और खाना वाना हमने खा लिया है, बर्तन वगैरह ये है, और इन्हें मॉर्निंग धोएंगे क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं। बाकी चारों इस 3% टेंट में सोएंगे, चार लोग इसमें इजीली सो जाएंगे। तो ठीक है भाई, ओके, गुड नाइट। कल सुबह मिलता है, ठीक है। चौथा बंदा नहीं दिख रहा है भाई, चौथा बंदा कहाँ है? चौथा बंदा नहीं दिख रहा है, अच्छा यही है, ठीक है। तो भाई मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, और अभी आप देख सकते हो, और यहाँ पे नाली वगैरह भी बना दी है जिससे ना पानी सीधे जा रहा है। भाई लोग तो सो गए हैं, और बस अब अपनी बारी है, तो मेरे तो अपना पिलो रेडी है, और अब बचा स्लीपिंग बैग की बारी, तो इसे भी ओपन कर लेते हैं।
रात भर गाइस बारिश ऐसी चलने वाली है, तो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह एक खूबसूरत नज़ारे के साथ। हमने कहाँ पे कैंपिंग की, ये सारे कांच वगैरह है और ये सारा कूड़ा है। फॉग आप देख सकते हो, फॉग लगा हुआ है। मैं सोच रहा था एक ड्रोन शॉट लेता प्यारा सा यहाँ से। यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं और गौरव भाई बना रहे हैं ब्लैक टी। मैं तो खैर पीऊँगा नहीं और बाकी के ये ब्लैक टी पीने वाले हैं, तो फटाफट से देखते हैं क्या कर रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे गाइस घर की तरफ। तो ये टार्प ने हमें बचा लिया। हाँ गौरव भाई, नींद आई? बहुत खतरनाक, बहुत आया लेकिन मज़ा आया ना। तो भाई अभी बना रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। और बाकी अपने तीनों भाई यहाँ पे सोए हुए हैं, बालम भाई, आयुष भाई और राहुल भाई। रात को कैसा रहा, नींद वींद कैसी आई बालम भाई? रात को तो नींद तो हमारी पूरी नहीं हुई, हमारे बहुत मतलब गलत सिचुएशन थी। रात को बल्लू भाई को भालू भी दिखा, भालू भी दिखे हमें तो यहाँ, भालू भी जैसे भालू ने बल्लू भाई के पैर में आके हेलो बल्लू कहा है। हाँ मतलब ये भालू की टेरिटरी तो है वैसे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ भी है, रिस्की पॉइंट भी है, रिस्की पॉइंट है वैसे। सिंगल के लिए मतलब जैसे कोई सोलो कैंपिंग करता है तो उसके लिए सही है क्या? नहीं, सोलो कैंपिंग ग्रुप कैंपिंग ही सही रहेगी, ग्रुप कैंपिंग सही रहेगी ना, क्योंकि कल भालू आया था सच में यहाँ पे और वो आवाज भी देखी हम, सुनी हमने, और इसको कह रहा है कि इसका पाँव पकड़ा छुआ, पता नहीं सूंघ रहा है क्या कर रहा था, बट कुछ ना कुछ फील हुआ इसको यहाँ पे, झूठ तो बोलेगा नहीं। हम ड्रोन शॉट का वेट कर रहे थे लेकिन अभी तक मौसम खुला ही नहीं है, आप देख सकते हो अभी भी फॉग बहुत है। तो मैं तो सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे वेट करूँ, मैं और राहुल वेट करेंगे यहाँ पे, बाकी अपने बालम भाई, आयुष भाई और गौरव भाई तीनों यहाँ से जाने वाले हैं। तो कोई नहीं, ये अपने आप जाते हैं क्योंकि ये कल रात को आपने देखा था दूसरा टेंट लेके आए थे और अभी इन्हें काम भी है तो ये जा रहे हैं अपने काम के लिए। बाकी मैं और राहुल यहाँ पे रहेंगे, जब तक ड्रोन शॉट नहीं होता ना भाई तब तक नहीं जाएंगे, ड्रोन शॉट लेने के बाद ही आएंगे। यहीं पे थे कि मौसम थोड़ा सा साफ हो गया था तो ड्रोन शॉट भी ले लिया है और हम लोग अब पैकअप कर रहे हैं और जा रहे हैं घर की तरफ। जो टेंट वगैरह टायर वगैरह है वो जल्दी से हटाते हैं, इसको पैक करते हैं और घर की तरफ चलते हैं। बिस्तर देख सकते हो आप, रात को बिस्तर भीग गया क्योंकि यहाँ से शायद पानी अंदर घुस गया था। बाकी गाइस यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा है ना, मैंने सोचा था कि जो कूड़ा है वो उठाऊंगा, मैंने थोड़ा बहुत बोतल यहाँ से इकट्ठा करके यहाँ फेंके लेकिन इतने में देखो हाथ कट गया, तो कांच की वजह से सेफ नहीं है यार यहाँ पे, मैंने इन्हें भी मना कर दिया अभी, बाकी अब क्या ही कर सकते हैं, तो इसलिए अभी इसे रहन देते हैं। बाकी हम नीचे एक बार बोल देंगे उन्हें कि ऊपर बहुत ज़्यादा कूड़ा है जो सोसाइटी है नीचे, हम माल करते हैं क्योंकि ना खाली टेंट टेंट तो बाद में भी हो जाएगा।
गाइस कल यहाँ पे अपना टेंट लगा था, टेंट आप पैक हो गया है, पकड़ लिया अपने जो गद्दे वगैरह आए थे वो भी गिले हल्के। आयुष भाई ने भी, भाई मजा आया ना फुल्ली? अरे बहुत ऑसम रहा एक्सपीरियंस, मतलब हाँ बालम भाई बढ़िया रहा, बढ़िया मजा आ गया मजा आ गया। ये तो अपने गौरव भाई की फूड वैन में आपने देखा होगा, हमने वहाँ कैंपिंग की थी भाई। फूड वैन में ज्यादा मजा आया या यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है? यहाँ का अलग मजा है, वहाँ का अलग मजा है ना। एक बार बता देंगे कि यहाँ पे कूड़ा वगैरह है क्योंकि वो ही लोग देखते हैं ना यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, और बाकी देखो यार फॉग और अपना नैनीताल का व्यू सुबह, जो अपना मॉर्निंग लेक व्यू है वो इस तरह से है। देखो नावे वगैरह उसमें चलने लग गई है, और बाकी देखो यार फॉग इतना ज़्यादा है ना तो व्यू उतना अच्छा आ नहीं पाया। समर सीज़न में यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, क्लियर व्यू तभी आएगा ना। तो रेनी सीज़न में क्या है ना फॉग ज़्यादा हो गया है, तो अपने समर सीज़न में फिर से यहाँ पे एक कैंपिंग होगी मस्त वाली, ऐसी ग्रुप कैंपिंग, सारे भाई लोग आएंगे। तो अब चलते हैं घर की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और इस वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।